गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लेसन 7 आज पढ़ेंगे। उसमें क्या है लेसन 7? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मतलब इसमें हम स्टडी करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, और इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इनकी स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो आज हमने स्टडी करना है, क्या है वो? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? देखो, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो हम किस चीज की स्टडी करते हैं? एग्रीगेशन की। मतलब हम माइक्रो में इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, मैक्रो में हम ऑल वर्ल्ड होल कंट्री की स्टडी करते हैं। जब हम माइक्रो में स्टडी करेंगे तो हम गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उन्हें एक इंडिविजुअल मतलब बाय करने से पहले किन किन चीजों को देखता है। जब हम एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करेंगे तो इसमें क्या स्टडी करेंगे? गुड्स और सर्विसेज जो है उनकी एक इकोनॉमी में कितनी डिमांड की गई है एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है? इट्स रेफर टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड कितनी है उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड। और इसकी हम स्टडी क्या करें? एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब एक फिक्स पीरियड हो गया, तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया? फ्लो कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है ये? फ्लो का कंसेप्ट। अब जो एग्रीगेट डिमांड है, जैसे हम खाली डिमांड की स्टडी करते थे तो डिमांड को हम किसके साथ रिलेशन में देखते थे? डिमांड की जब हम स्टडी करते थे तो डिमांड को हम रिलेशन में देखते थे प्राइस के साथ। डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस कम होते हैं। और डिमांड डिक्रीज कब कर जाती है? जब प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं। ये रिलेशन था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड इंक्रीज करके तो प्राइस डिक्रीज कर जाएंगे, डिमांड डिक्रीज करके तो प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करेंगे, इसमें हम प्राइस लेवल के साथ स्टडी नहीं करते, इसमें हम इनकम लेवल के साथ स्टडी करते हैं, ठीक है? अब एग्रीगेट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनक्योर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या है? एग्रीगेट डिमांड क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, जितने भी हम खर्चे करते हैं उन सबका जोड़ है जो लोगों के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो हम प्लान करते हैं, या हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो हम खर्च करते हैं, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है एक अकाउंटिंग ईयर में, और अलग अलग डिफरेंट इनकम के लेवल पे हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं वो हमारी क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड जो है इसकी हमने स्टडी किसके साथ की है? इनकम लेवल के साथ, इनकम लेवल के साथ और एक्सपेंडिचर के साथ। इसकी स्टडी हमने प्राइस लेवल के साथ कहीं भी नहीं की है कि प्राइस इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस डिक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। नो, प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस डिक्रीज करते हैं तो डिमांड प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड कम होती है, प्राइस डिक्रीज करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन यहां हमने क्या स्टडी करनी है कि अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है उसकी स्टडी हमने किसके साथ करनी है? डिफरेंट इनकम लेवल्स पे। अब हम इसको एक शेड्यूल की हेल्प से देखते हैं। देखो वाई क्या है? ये इनकम को हम जहां भी लिखेंगे किस चीज से लिखेंगे? वाई से। एग्रीगेट डिमांड को हमने किस चीज से लिखा? एडी से। एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हो आप इसे, और इसके साथ आप इसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। देखो, हमने यहाँ इनकम के अलग अलग लेवल ले लिए, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, और हमने दूसरी तरफ क्या लिया? एग्रीगेट डिमांड 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ये देखो, जब हमारी इनकम जीरो है तब हमारी एग्रीगेट डिमांड कितने की जा रही है? 30 की। इनकम के जीरो होने पर एग्रीगेट डिमांड 30 है। अब आप ये कहोगे इनकम तो है नहीं तो ये डिमांड कैसे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कैसे कर रहे हैं? देखो, चाहे हमारी इनकम हो या ना हो, हम खाना पीना तो नहीं छोड़ते ना, जो हमारी बेसिक नीड्स की चीजें हम बाकी छोड़ सकते हैं, लेकिन खाए पिए बिना तो नहीं रह सकते। सो अगर हमारी इनकम जीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेंड कर रहे हैं। जीरो पे हम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 30 का। ऐसे हमारी इनकम बढ़ी 20 होगी, एक्सपेंडिचर बढ़ के 35 हो गया, 40 होगी, 40 हो गया। अब यहाँ जहां हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाता है वो कौन सा लेवल हो जाता है? हमारा इक्विलिब्रियम, मतलब जितनी हमारी इनकम है उतनी की उतनी को स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है?
अब हमारी इनकम इंक्रीज करके 60 होगी लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर 45, 80, 50, मतलब हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है तो साथ साथ हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है। इनकम और एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव। अब देखो एक लेवल ऐसा आता है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारी इनकम इंक्रीज करती है लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर कम इंक्रीज करता है। क्यों? अब देखो हम 60 है, हमारी इनकम 60 है लेकिन मैं 45 उसमें से खर्च कर रही हूँ तो बाकी के जो मेरे 15 बचे उनको मैं क्या कर रही हूँ, क्या करूंगी मैं उन 15 का सेविंग, उसको मैं अपनी सेविंग रखूंगी। इसी तरह 80 में से मैंने 50 एक्सपेंड किए बाकी की 30 मैंने क्या की, मेरी क्या है सेविंग हो गई है। मतलब जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज करता जाता है हमारा एक्सपेंडिचर लेवल भी इंक्रीज करता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारी इनकम इंक्रीज करती है पर एक्सपेंडिचर उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं करता। वो क्या होता है, हम एक लेवल ऐसा आता है जहां पे हम इनकम में से एक्सपेंड करने के साथ साथ कुछ ना कुछ सेव करना भी शुरू कर देते हैं ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे पास कुछ सेविंग हो। अब इसी चीज को देखो, जब हमारी इनकम के इंक्रीज करने से हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है तो हमने क्या सीखा इसके साथ साथ कि हमारे एक्सपेंडिचर के साथ साथ हमने सेविंग भी करनी शुरू कर दी है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है इसके दो कंपोनेंट है, मतलब बेसिकली एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की आपने स्टडी करनी है तो आप टू लेवल्स पे करोगे, एक क्लोज इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी क्या है? क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिस इकोनॉमी में बेसिकली दो सेक्टर है या तीन सेक्टर है, उसमें मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला सेक्टर नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसमें इंक्लूड नहीं है। वो इकोनॉमी ऐसी है जिसकी जो भी एक्टिविटीज है वो उसी कंट्री के अंदर ही होती है, वो उसका बाहर की कंट्रीज के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन जो ओपन इकोनॉमी है वो क्या है, उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ लिंक है, रिलेशन है। अब जो हम क्लोज इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, क्लोज इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगी, C+I। सी क्या है? हाउसहोल्ड है, हाउसहोल्ड जो एक्सपेंडिचर करता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सी इस चीज को शो कर रहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। आई क्या है हमारा, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो आई क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो क्लोज इकोनॉमी है इसमें कौन कौन होता है, क्लोज इकोनॉमी में होता है एक हाउसहोल्ड सेक्टर होता है और दूसरा होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, जो हाउसहोल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब क्लोज इकोनॉमी है उसका बाहर की कंट्रीज से सब कोई रिलेशन नहीं है तो वो क्या करेगा, हाउसहोल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा और प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। हाउसहोल्ड क्या करेगा, अपनी मतलब लैंड लेबर वगैरह उसे देगा प्रोडक्शन के लिए और वो जो प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर उसको हाउसहोल्ड सेक्टर यूज कर देगा। ठीक है, अब क्लोज इकोनॉमी में सेकेंड है C+I+G। सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी कौन सा सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर। सी कौन करता है, हाउसहोल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, जी गवर्नमेंट सेक्टर है। जैसे पहले क्या था, हम कंज्यूमर सेक्टर जो था वो अपना क्या दे रहा था, हाउसहोल्ड सेक्टर अपनी लैंड लेबर गुड्स दे रहा था और लैंड लेबर दे रहा था और जो प्रोड्यूसर सेक्टर था वो उससे प्रोडक्शन कर रहा था और वो प्रोडक्शन को अब क्या गवर्नमेंट इंक्लूड होगी तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्शन को क्या करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए भी यूज करेगी। ठीक है, अब जो हमारी ओपन इकोनॉमी है, हमारी सेकेंड है हमारी ओपन इकोनॉमी कौन सी है, वो इकोनॉमी जिसका बाहर की कंट्रीज के साथ जिसकी एक्टिविटीज का बाहर की कंट्रीज पे असर होता है और बाहर की कंट्रीज की एक्टिविटीज का उस पर असर होता है, जो बाहर की कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटी करती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड है, हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या होगा, जो भी होगा मतलब जो भी एक्टिविटीज होंगी वो बाहर की कंट्रीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बाहर की कंट्रीज से हम जिन चीजों की हमारे यहाँ पे कमी होगी उन्हें हम बाहर की कंट्रीज से मंगवाएंगे और जो हमारे यहाँ पे एक्सेस में होगी उसे हम बाहर की कंट्रीज को भेज देंगे, मतलब हमारा बाहर की कंट्रीज के साथ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है एग्रीगेट डिमांड क्या है,
एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ हमने स्टडी की है कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कौन कौन सी दो इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमने पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन किसके साथ है, इनकम लेवल के साथ। इसमें हमने एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन शो किया कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करती है। एक लेवल ऐसा आता है कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद हमारी इनकम इंक्रीज करती है, लेकिन हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज करती है, पर कैसे, धीमी गति से, धीरे धीरे। और क्या होता है कि हम उसके बाद क्या करते हैं, एक लेवल पे हम इनकम का कुछ हिस्सा सेव करना भी शुरू कर देते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कल हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने इससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट थर्ड का लेसन 7 स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसमें पहले क्या स्टडी किया है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। इस लेसन में हमने स्टडी करना है एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है और कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और हम इसमें क्या स्टडी कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या है, क्या है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या थी, एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड थी, ठीक है ना। और एग्रीगेट डिमांड जो है उसका रिलेशन हमने किस चीज के साथ शो किया था, हमने एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन शो किया था इनकम के साथ, कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती जाती है हमारी डिमांड इंक्रीज करती है। जब हमारी इनकम जीरो है तब भी डिमांड की जा रही है। जैसे हमने पहले स्टडी किया था जीरो पे हमारी डिमांड 20 थी, और जैसे जैसे हमारी इंक्रीज करती जा रही थी हमारी इनकम, वैसे वैसे हमारी डिमांड भी इंक्रीज कर रही थी। लेकिन एक लेवल ऐसा आया था जहां पर हमारी इनकम तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन डिमांड क्या थी, हम डिमांड का कुछ हिस्सा सेव करना हमने शुरू कर दिया था, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, देखो सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है इकोनॉमी में। क्यों करता है, क्योंकि उस चीज की डिमांड की जाती है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वो किसी चीज की डिमांड करेगी तो उस चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा और उसे मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो वो चीज होती है ना हमारी सप्लाई। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोड्यूसर है प्लान करता है कि उसने कितना एग्रीगेट प्रोडक्शन करना है, मतलब वो इकोनॉमी की सिचुएशन को देखता है, वो देखता है कि मार्केट में उस चीज की डिमांड है या नहीं है, उस चीज को देख के वो इकोनॉमी में किस चीज का प्रोडक्शन करे, ठीक है। इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इससे क्या होता है, इकोनॉमी में जो है गुड्स और सर्विसेज का एकदम से फ्लो हो जाता है। देखो जब हम किसी चीज की सप्लाई करते हैं तो सप्लाई किस चीज की जाती है, या तो वो गुड्स की होगी या सर्विसेज की होगी। जब इकोनॉमी में हम किसी चीज की सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है मार्केट में, मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो इनकी डिमांड भी होनी चाहिए। अगर इन चीजों की मार्केट में डिमांड है, सप्लाई हो रही है, इनकी डिमांड भी हो रही है, तो क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा, इनकम का फ्लो होगा इकोनॉमी में। अब सिंपल वर्ड्स में देखो, जब इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो क्या उस चीज की डिमांड है मार्केट में। तब अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड होती है तभी तो उसकी सप्लाई करते हैं ना। अब मार्केट में इसकी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है तभी प्रोड्यूसर इनकी सप्लाई कर रहा है, और प्रोड्यूसर को इनकी सप्लाई करके क्या मिलता है, प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। तो प्रोड्यूसर जब गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमी में सप्लाई कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का फ्लो हो रहा है। अगर इनकम का फ्लो हो रहा है सप्लाई के बढ़ने से, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे ही मार्केट में इनकम का भी फ्लो हो रहा है। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई होगी, ए एस इक्वल टू वाई। अब हम इसको एक टेबल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्रीगेट शेड्यूल, जब हमारी इनकम जीरो है
तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है। इनकम 20, एग्रीगेट सप्लाई 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, 120। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि प्लान डेप्थ की प्रोडक्शन, मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज करती जाएगी, मार्केट में प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स की बढ़ाता जाएगा। जिस अकॉर्डिंग इनकम इंक्रीज कर रही है, उसी अकॉर्डिंग वो मार्केट में सप्लाई इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है कि वो मतलब जितनी भी इनकम इंक्रीज करेगी और वो जितनी सप्लाई करेगा मार्केट में, जो उसकी प्लान सप्लाई है वो सारी की सारी सेल हो जाएगी। तो जो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम का क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। अगर इनकम इंक्रीज कर दिया तो एग्रीगेट सप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग ही इंक्रीज कर रही है। तो वाई, अब आप देखो, अब ये सेम लाइन पे ही बनेगा वाई इक्वल टू एस। हमने बोला था इनकम जो है वो 45 डिग्री की लाइन से शो होती है, तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो वो एक ही लाइन से शो हो रहे हैं, वाई इक्वल टू ए एस। अब हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट में जो एग्रीगेट प्रोडक्शन है वो प्लान प्रोडक्शन है, वो डिजायर्ड नहीं है। प्लान मतलब उसने पूरी तरह से प्लान कर रखा है कि इतनी प्रोडक्शन करूंगा और इतनी को मैं सेल करूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। डिजायर मतलब कि वो ये नहीं है कि मार्केट की सिचुएशन को देख के वो उसे कम ज्यादा करेगा, सिर्फ उसने जो प्लान किया है उतने का उतना मार्केट में एट ए टाइम अवेलेबल करवा देगा। ठीक है, आप ये क्लियर है? अब हम इससे आगे स्टडी करेंगे व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। स्टूडेंट्स, अभी हमने एग्रीगेट सप्लाई स्टडी किया था, अब हम स्टडी करते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन क्या है? एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है, और ये क्या रेफर करता है? ये रिलेशनशिप शो करता है कंजम्पशन और इनकम के बीच में। हमने पहले स्टडी किया है कि जब जीरो इनकम है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, इनकम के इंक्रीज करने पे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज करती जाती है। पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हमारी इनकम इंक्रीज करती है पर कंजम्पशन हमारी धीरे धीरे इंक्रीज करती है। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इट रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन सी एंड इनकम वाई। कंजम्पशन सी और इनकम वाई के बीच के जो रिलेशनशिप को शो करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। इसका एक फॉर्मूला है सी इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई। सी कंजम्पशन फंक्शन को शो करता है, सी डैश क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो कंजम्पशन का सबसे कम वाला लेवल है। बी क्या है? रेट एट विच सी इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन वाई, वो रेट जिसपे सी बढ़ता है वाई को देखते हुए। इसको हम इस चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। इसको हम क्या लिखते हैं? एमपीसी, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब इनकम में चेंज होने पर उपभोग में कितना चेंज होगा उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब हम इसे टेबल और डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो टेबल में जीरो है इनकम, तब हम 20 कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास इनकम कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। जब 50 इनकम होगी तो हम 60 कंज्यूम कर रहे हैं, 100 पे 150 पे 140। आप देखो इनकम किस अकॉर्डिंग बढ़ रही है? 0, 50, 100, 150 का डिफरेंस है, 50 के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। और यहाँ देखो 20, 60, 100, 140 में कितने का डिफरेंस है? 40 का। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम को हमने किस लाइन से शो किया? वाई से। और कैसी लाइन है? 45 डिग्री के एंगल पे बनी हुई लाइन होती है। जब हमने इसमें यहां हमने नीचे क्या शो किए? नीचे हमने शो की इनकम और इधर हमने शो किए कंजम्पशन। जब हमारी इनकम जीरो है, कंज्यूमर 20 का है, इनकम 50, 60, इस तरीके से हमने इस डायग्राम को बना लिया। अब देखो जहां पे इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को काटते, पहले ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, तो कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में? पॉजिटिव। अब ये इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों 100 बनाते एक दूसरे को कट करते हैं, ये कौन सा पॉइंट होगा? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाती है और एक दूसरे को कट करके इनकम जो है कंजम्पशन से तेजी से बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसी में हमने क्या देखना है? मार्जिन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है हमने। अभी मैंने आपको बोला इसमें कितने का डिफरेंस है? 50 का। इसमें कितने का है? 40 का।
अब आप यहां देखिए, ये डिफ्लेक्स 50 है और ये 40 है, कंजम्पशन में चेंज इन सी हमारा क्या आया 40, चेंज इन वाई आया हमारा 50। अब हमने स्लोप ऑफ सी लाइन या फिर इसको हम ये कह सकते हैं हमने एमबीसी निकाला है, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई, चेंज इन सी हमारा क्या है 40 और चेंज इन वाई क्या है 50, 40 बाय 50 इक्वल टू 0.8। अब हमारी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ गई 0.8। कल हम आगे इस इक्वेशन में इसको पुट करके सॉल्व करना सीखेंगे। नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, थैंक यू।